पूरे फ्लोर में हम आपको दो एसी एज अ गिफ्ट देंगे अगर आप भैया के थ्रू आते हैं या मैम के थ्रू आते हैं। इस वीडियो को देख के अगर आप आते हैं तो आपको दो एसी कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें आराम से आपका 56 इंच तक का टीवी है। सेफ्टी पर्पस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपके पीछे एक चीज है, ये देख लो, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी। चलो आपको इस फ्लोर की जान में अपनी फिटिंग्स रहेंगी, प्रॉपर जैगुआर का सब कुछ रहेगा। 1, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ मार्केट ब्लॉग्स में। सो ऋषभ मार्केट ब्लॉग्स आपके लिए एक ऐसा ही आलिशान घर लेकर आए हैं जो आपके बजट में है और हर किसी का सपना है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये घर देखने के लिए, आई होप आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं हम ओनर से बात। हेलो सर। हेलो, आप कैसे हैं? बस जी बढ़िया। तो बताइए कुछ अपनी कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं जुनेजा एसोसिएट्स, आपने अगर सुना हो, यहाँ पे जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, विकासपुरी, कृष्णा पार्क, महावीर नगर, तिलक नगर, इन एरियाज़ में हम ऑपरेट करते हैं। बिल्डिंग फर्म है रियल एस्टेट, तो फ्लोर्स बनाते हैं हम आपकी नीड के लिए, आपके लिए प्यार से बनाते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो आपकी ऑडियंस है। हमारी टारगेट ऑडियंस सर कोई है ही नहीं, जो हमारे पास आ जाए हमने उसके लिए फ्लोर रख रखे हैं। अगर नहीं रख रखे हैं तो हम स्पेशल बना के देंगे, बाय चांस आप आ रहे हैं तो। अगर ये वीडियो देख के कोई भी आ रहा है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोर नहीं है तो वो हम बना के देंगे। तो सर हमें आप ये बताइए कि आपका हमें यहाँ लाने का क्या मोटिव है, ये एरिया के बारे में कुछ बताइए। मैम सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक्चुअली जितनी भी साइट्स चल रही हैं हमारी, मेरा यहाँ पे लाने का एक स्पेशल मोटिव था कि पूरी अभी पूरी मार्केट में ये रेडी टू मूव फ्लोर पड़ा हुआ है, सिर्फ सिंगल एक ये बिल्डिंग एक। तो इसमें 2 फ्लोर रह गए हैं, 2 सोल्ड आउट हुए हैं, अभी कल एक हुआ है और पिछले हफ्ते एक हुआ है, तो इसमें 2 फ्लोर रह गए हैं। बट इसमें काम मैंने उस फिनिशिंग से किया हुआ है कि आप मतलब हमने इस साइट को एज अ सैंपल रेडी करना था, एक लैंडमार्क रेडी करना था कि ये काम कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको ये मोटिव था मेरे को ये दिखाने का। आओ बाकी तो बेसिकली ये अपना फ्रंट रहेगा, आप देख सकते हैं, मतलब सबसे मेन चीज़ जो होती है एक फ्लोर में, आपको लोकेशन भी दिखा रहा हूँ मैं, और आपका कोई गेस्ट या कोई भी आपके घर आता है तो सबसे पहले फ्रंट दिखेगा आपका। तो फ्रंट आप देख ही सकते हैं कि किस लेवल से काम किया गया है फ्रंट पे, प्रॉपर मेहनत से और प्रॉपर दिल से काम हुआ है फ्रंट पे, इस लेवल का फ्रंट दिखाया हुआ है। सबसे पहले आप देखो गेट सर, इसमें स्टेनलेस स्टील और बीच में आपको फंडर मार्क्स की शीट्स मिल रही हैं, ACP फिटिंग्स हैं ये प्रॉपर, मतलब कोई वुड नहीं है, सीलन वगैरह, दीमक वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, ACP शीट्स हैं और ये आपका स्टेनलेस स्टील और काफ़ी सॉलिड गेट्स हैं ये। इस साइड पे भी ये वाले मतलब पूरे पे सेम गेट्स रहेंगे और दूसरी साइड जैसे कि 2 साइड ये मकान है तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम गेट्स मिलते हैं और बिल्कुल वही उसी फिटिंग के साथ आपको गेट्स मिलेंगे कि बाय चांस आप गाड़ी यहाँ से लाओ, उस तरफ फेस हुआ हुआ है आपकी गाड़ी का तो आप यहाँ से गाड़ी निकाल सकते हो, कोई मतलब किसी तरीके की आपको कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सर इस फ्लोर पे। बाकी शेड्स और विंडोज़ आपको प्रॉपर हमने दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लोर का फ्रंट कितना ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है और एल शेप में है तो काफी ज्यादा अच्छा होता। तो सर मैं देख रही हूँ ये मुझे कुछ दिख रहे हैं हर फ्लोर पे। ये लाइट्स हैं। ओके, मतलब हर फ्लोर पे आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लाइट्स दी हुई हैं कि फ्रंट एलिवेशन पे रोशनी फ्रंट पे कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। प्लस ऊपर जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो 3 लाइट्स हैं, उनकी लाइट्स वो कभी स्कैटर नहीं होती है, वो कभी स्प्रेड होने वाली लाइट नहीं है, वो लेजर लाइट टाइप लाइट्स लगी हुई है, वहां से जलेंगी सीधा जमीन तक, वो लाइट आएगी सीधा स्ट्रेट लाइट आएगी एज अ लेजर लाइट जैसे होती है,
वैसे में लाइट आएगी, इतना डिटेलिंग के साथ आपको लाइट्स भी दी गई हैं। आओ मैम, आपको अंदर लेके चलूं फिर आपको पार्किंग दिखाऊं मैं? आओ जी, जी बिल्कुल चल। तो ये सर हमारी पार्किंग रहेगी। आप सबसे पहली बात इसका बेस देखो, टाइगर इसमें पत्थर लगा हुआ है जिसका नाम है टाइगर। जी जी, आप कहीं भी इस टाइगर पत्थर के बारे में पूछ लो, आपको पता चल जाए, आपको यहीं से एक बारी अंदाजा हो जाएगा कि ऊपर क्या माल लगा होगा जब यहाँ पे ये चीज लगी हुई है। तो जी जी, बाकी एंड टू एंड इसमें टाइल्स हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पार्टीज को कि हमारी पार्किंग में सीलन आ रही है। पार्किंग में सीलन का आपको सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको एंड टू एंड हमने टाइल्स ही दे दी है। बाकी पार्किंग की आप स्पेस भी देख सकते हो, स्पेसिस कितनी है पार्किंग दिख ही रहा होगा ये तो आपको साफ साफ कि 5 से 6 गाड़ियां अंदर खड़ी हो सकती हैं इजीली एनी टाइम। बाकी 4 तो हमने आपको देते ही हैं, 4 फ्लोर्स हैं, 4 को पर्सनल पार्किंग एक एक गाड़ी की मिलेगी, फिर भी एक या 2 गाड़ियों की पार्किंग आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी। उसमें आप स्कूटर्स, बाइक्स, 2-व्हीलर्स जो खड़ा करने करिए, कभी आपके पास गेस्ट आते हैं तो उनकी आपको बाहर पार्किंग की कोई नीड नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा कोई किसी से नहीं चाहिए। जी सही, तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि 2-साइडेड ओपन है, हाँ जी, तो 2 गेट आपके, आप यहाँ से गाड़ी लाते हो, हाँ, और फेस गाड़ी का इधर है तो आप यहाँ इधर से निकाल सकते हो, यहाँ से गाड़ी आती है तो यहाँ से निकलेगी प्रॉपर, मतलब आपको 2 एंट्रीज पार्किंग तक में मिली। सर सिक्योरिटी पर्पज से देखो, जैसे मीटर्स वगैरह मोटर्स वगैरह चोरी हो जाती हैं कभी कभी, वैसा कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे। आपको मीटर्स घर के अंदर दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी इस जगह पे आपकी मोटर्स रहेंगी और लॉक्ड हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं गेट्स, तो फिर आपका चोरी वगैरह का भी कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हर 4 फ्लोर्स हैं तो हर फ्लोर के लिए अलग अलग बिजली का मीटर, हर फ्लोर के लिए अलग अलग पानी का मीटर, प्लस लिफ्ट और पार्किंग के लिए 1 मीटर अलग से, ये भी आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। और आओ सर अब लिफ्ट दिखाऊं आपको मैं। जी जी, चलिए। सर ये आप जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं सबसे पहले फिर आपको लिफ्ट आती है। जी जी। लिफ्ट मैं आपको बाद में दिखाऊं, लिफ्ट ऑलमोस्ट मतलब हमारी बहुत एक्चुअली हाई क्वालिटी की लिफ्ट लगी हुई है ये वाली साइड पे, बट क्वालिटी लगभग सब लिफ्ट की सेम रहती है। हमने जो एडिशनल काम यहाँ पे किया हुआ है ना, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ जो सेफ्टी पर्पज से हमने काम किया हुआ है। ये आपका इमरजेंसी अलार्म है, बाय चांस हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको जैसे बोलूंगी लिफ्ट में अगर कोई स्मोकिंग भी कर रहा है, इतना सा भी धुआं, अगर 1% का भी धुआं लिफ्ट में हो जाता है तो ये अलार्म बच जाएगा आपका। ये आपका फिर अगर ये अलार्म बच जाता है और कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपके पास ये स्विच है, फायरमैन स्विच है ये, लिफ्ट के अंदर कोई बंदा फंस गया अगर तो आप ये स्विच ऑन कर दो, कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं होने वाली है। और ये लिफ्ट के कंट्रोल्स रहेंगे। बाकी फिर ये हमारी लिफ्ट आ गई, ये भी सर बिल्कुल रेडी है, शुरू हो चुकी है, लगभग 90% काम इसका डन हो चुका है और थोड़ा सा हम रुके हुए हैं कि अभी एक बार लाइसेंस आ जाए, अप्लाई करा हुआ है, हफ्ते तक इसका लाइसेंस आ जाएगा तो ये भी वर्किंग इसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। और वैसे भी ये तो मतलब मैंने बताया कि 1 फ्लोर इस बिल्डिंग में सोल्ड आउट है, तो उनको वो वाली पार्टी को पोजेशन देने से पहले हमने वैसे ही करवा के देनी होती है, तो ये तो और हफ्ते की बात है। ये वाली लिफ्ट भी आपको शुरू हो जाएगी और साइड में आप डिजाइन देख लो टाइल, मतलब लिफ्ट को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए किस लेवल की टाइल लगी हुई है, और थ्रू आउट द बिल्डिंग हर फ्लोर पे लिफ्ट के बाहर ये आपको यही टाइल। और लिफ्ट के बिल्कुल फ्रंट में ये हमारी स्टेयर्स आएंगी, तो ये स्टेयर्स, ये लिफ्ट और ये एंट्रेंस आपकी, तो तीनों चीजें एक साथ दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम देखते हैं फ्लोर। ओके हेलो जी, आओ जी। हेलो जी। मैम ये हमारा ड्राइंग रूम है, साइज आप देख ही सकते हैं, साइज से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कुछ इसमें होगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। जी सर। प्लस रेक्टेंगल शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर बना हुआ है तो एल शेप का सोफा आएगा पूरा, मतलब फ्यूचरिस्टिक सोच के बनाया हुआ है कि कल को पार्टी शिफ्ट हो जाए, हम मतलब सोच के यही बनाते हैं कि कल को बाई चांस हमें खुद ही रहना पड़ जाए इस फ्लोर में तो हमें प्रॉब्लम ना हो। एल टाइप सोफा लगेगा, यहाँ पे आपको एलईडी पैनल दिया हुआ है, इसमें आराम से आपका 56 इंच तक का टीवी आएगा। तो सबसे पहली बात जहाँ पे खड़े हैं टाइल्स की तरफ देखो सर, बेसिक टाइल्स, सिंपल एंड सोबर, जिनको सिंपल पसंद आता है उनको टाइल्स पसंद आएंगी और जिनको थोड़ा सा जटाक काम पसंद आता है ना सर उनको ले आओ, उनको भी ये पसंद आएंगी। और अब चलो ऊपर की तरफ, ये हमारी फॉल सीलिंग हुई है सर, फिनिशिंग चेक कर लो आप एक बार, ऐसी फिनिशिंग आपको कहीं मिल जाए आप बता देना मुझे। बाकी ये आपके 2 दरवाजे रहेंगे बालकनी की तरफ जाने के लिए, और विंडो एसी का भी यहाँ पे प्रोविजन है कि विंडो दी हुई है आपको विंडो एसी के लिए, और प्लस स्प्लिट मैंने लगा के दिया हुआ है, स्प्लिट लगा के दूंगा। और ये आपके 2 दरवाजे रहेंगे, ये एक लकड़ी का दरवाजा, ये आपका जाली का दरवाजा कि कभी शाम को आपको धूप वगैरह चाहिए तो मच्छर वगैरह अंदर ना आए, वैसे एज सच इस एरिया में मच्छरों की कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, बट फिर भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिजाइन गेट के डिजाइन कितने ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैम ये रहेगा अपना वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन यहाँ डालिए, आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, वॉशिंग एरिया आपको अलग से दिया हुआ है, और ये साथ में आपको AMC विंटेज वाली आपको ये विंटेज लुक में आपको बालकनी मिलेगी। मैम इसकी लेंथ देख रहे हो आप, इसकी लेंथ को मतलब ये इतना तक ध्यान में रखा गया है, डिटेलिंग के टाइम पे इतना सोचते हैं मैम कि इफ यू हैव किड्स
तो आप देख लो ये बालकनी, इसकी ग्रिल जो है इसकी लेंथ है मेरे भी चेस्ट तक आ रही है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए आप समझ ही गए होंगे कि कितनी बेटर चीज आपको लगा के दी हुई है। प्लस आप ये देख लो ये वाली लाइट्स, ये सर लेजर लाइट है, इनका फोकस स्प्रेड नहीं होता है, ये जलेंगी सीधा दीवार तक, जैसे सीधा जमीन तक इनका फोकस आएगा। तो बाकी आपको स्विचेस एंड टैप यहाँ पे मिला हुआ है वॉशिंग एरिया के लिए। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए क्या है? मैम सेफ्टी पर्पस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपके पीछे ही एक चीज है, ये देख लो, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी मैम, जो भी नीचे है बेल बजिए, आपको कैमरे पे शो होगा कि कौन है। काफी अच्छी चीज दी हुई है ये तो आप। बाकी मैम मैं एक बार ही कहूंगा, एक बार ही पूरी लुक लो आप कि लुक क्या आ रही है आपको, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नजारा लेके देखो आप एक बार ही इसका। बाकी लाइट्स आप देख सकते हैं, एलईडी लाइट्स, व्हाइट, पिंक, ब्लू, ये तो जैसे पार्टी की चॉइस थी। ये वाला फ्लोर में आपको जो दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये सोल्ड आउट है। तो ये पार्टी की मर्जी से थोड़ा सा काम हुआ है इसमें, ये लाइट्स की चॉइस कलरफुल वाली पार्टी की थी, बट जो भी आप कहेंगे ये छोटे मोटे चेंजेस ये हमारे ऊपर है, हमारी गारंटी तो है करके ये देंगे हम। बिल्कुल मैम बिल्कुल। आप अगर, और ऐसा भी है कि सपोज लाइट्स जैसे हमने उनकी चॉइस है बट लगवा के तो हमने दी है, तो अगर आज से एक साल बाद ये लाइट्स खराब भी हो जाती हैं तब भी वो पार्टी इलेक्ट्रिशियन को फोन नहीं करेगी या उनको धक्के नहीं खाने इलेक्ट्रिशियन के पास जाने के, उनको तब भी मतलब आप समझ लो कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको आज से पांच साल बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है पूरे फ्लोर पे कहीं पे। हमारे को आज भी पार्टियों के फोन आते हैं कि जिनको आज से 10 साल पहले मकान बेचे थे, कभी उनके फ्लोर में कभी एक जगह पे हल्की सी सीलेंट तक आ गई है, तो हमने वो रिपेयर करवा के व्हाइट वॉश तक उनके करवा के दी। क्या बात है सर। तो जैसा कि आपने देखा लिविंग एरिया कितना स्पेशियस है, और बताइए आप मुझे हमें नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? सर नेक्स्ट लेके चलूंगा आपको इस फ्लोर की जान में जी, मतलब किचन दिखाऊंगा मैं आपको। और लेडीज लोग प्लीज फोकस करो, आपके लिए पार्ट आ चुका है, वीडियो का मेन पार्ट आ चुका है, आओ किचन दिखाता हूँ। ये किचन है, नहीं दिख रही, कवर्ड, प्रॉपर कवर्ड आपको पार्टीशन के साथ, सेंट गोबेन ब्रांड के ग्लासेस है, ये टफन ग्लासेस है। और आओ सर, ओ माय गॉड, ये आपकी किचन रहेगी सर। किचन में फैन, मॉड्यूलर किचन, आपको चिमनी मिलेगी इसमें, हॉब्स का स्टोव मिलेगा आपको, और फिनिशिंग तो आपको दिख ही रही होगी, कुछ भी मतलब बिल्कुल साउंडलेस इस लेवल की फिनिशिंग है सर। मैम सबसे बड़ा फायदा आपको, जैसे कि आजकल क्या प्रॉब्लम्स आती हैं किचन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि एक मतलब किचन बनी हुई है, दो या तीन बंदों से ज्यादा कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे स्पेस चेक कर लो, आप यहाँ पे लाके 5 से 7 जने खड़े कर लो, कोई आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और पर्सन की बात छोड़ो, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर लो, तो यहाँ पे मटेरियल कितना आ सकता है, बर्तन कितने आ सकते हैं, आपको खुद को दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कबर्ड्स, आपको 7 अलमीरा इसमें मिल रही है, 7 रैक्स हैं इसमें, और नीचे भी उतनी ही स्पेस आपको मिल रही है। प्लस शेल्फ आप देख लो, पूरी स्पेशियस शेल्फ आपको मिल रही है, बस यहाँ पे इतना सा स्टोव आएगा एंड चिमनी आएगी, उसके अलावा पूरी स्पेस आपको मिल रही है, तो आप जितना सामान भरो या जितने लोग खड़े करो। प्लस कोई प्रॉब्लम, आप मुझे कभी ये बताओ कि आपने कभी किचन में फॉल सीलिंग देखी हो? नहीं अभी तक मैंने नहीं देखी है। किचन तक में आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा स्पेस दे रखा है यहाँ पे। और सेकंड चीज, अभी तक मैंने इतने सारे फ्लोर देखे हैं बट मैंने किचन में फॉल सीलिंग कभी नहीं देखी अभी तक, और इतना अच्छा काम दे रखा है। आप जैसे कि स्पेस देख लीजिए कितना ज्यादा स्पेस दे रखा है। सो मुझे आपका किचन इतना पसंद आ रहा है सर, मैं तो कहती हूँ आप एक फ्लोर मेरा बुक ही कर लीजिए। आपके ही है मैम, सारे आपके अपने ही है मैम। तो किचन देख लिया आपने कितनी स्पेशियस, और अब इससे भी बढ़िया आपको काम दिखाऊंगा मैं सारे बेडरूम्स में। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं मैम को अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आओ मैम। तो ये रहेगा मैम हमारा बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम है ये। आप इसका साइज देख लो, जो बिल्डिंग में और आर्किटेक्चर में एक सबसे बढ़िया साइज माना जाता है बेडरूम्स का, वो होता है 10x10 का, उसको स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। ये 10x12 का रूम है, जो स्टैंडर्ड साइज है उससे भी आपको बड़ा रूम दिया जा रहा है यहाँ पे। आपका यहाँ पे एलईडी पैनल आएगा, एक अलमीरा आ सकती है, बेड आएगा पूरा किंग साइज बेड आएगा आपका प्रॉपर, और ये फॉल सीलिंग। आप फिर वही फिनिशिंग की बात आए अगर, तो फिर आप काम तो हमारा देख ही रहे हैं कि किस लेवल की फिनिशिंग हुई हुई है यहाँ पे। बाकी ये दरवाजे तो पूरे घर में आपको सेम मिल रहे हैं, ये जैसे ये वाले दरवाजे होते हैं, ये वाले डिजाइन रखे जाते हैं ऑफन मेन गेट पे रखे जाते हैं जी, बट हमने पूरे घर के दरवाजों पे यही दिए हैं। और जिनको थोड़ी सी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है या वेंटिलेशन की डिमांड होती है, ये इतनी बड़ी विंडो, इतनी बड़ी वेंटिलेशन, यहाँ पे ग्रिल्स लगेंगी अभी, तो ये आप देख सकते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग मांगते हैं जैसे कि सन फेसिंग हो,
धूप आनी चाहिए घर में, नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है। आप ये देख रहे हैं शेड, ये क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे इतनी धूप आ जाती है जितनी नहीं चाहिए होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा ही धूप आ जाती है यहाँ पे, तो इसलिए हमने हमारे को शेड लगाना पड़ा है यहाँ पे। आपको शेड मिल रहा है यहाँ पे, बाकी ये हमारी वेंटिलेशन के लिए विंडोज तो है ही, ग्रिल्स लगेंगी अभी बाकी। और ये सर आपकी मेन वॉल ये रह सकती है, इस पे हम आपको अगर आप चाहें आपको मैम वॉलपेपर भी लगा के दे देंगे, जो मतलब ये छोटी मोटी डिमांड्स आपकी रहेंगी, आप वॉलपेपर छोड़ो, आपको व्हाइट वॉश अगर कलर चेंज करवाना है वो करवा देंगे इसके लिए, जो आप बोलोगे, ये छोटी मोटी डिमांड्स आपकी बिल्कुल 100% पूरी प्यार से करके देंगे, तो वो आप खुद करके देंगे, बिल्कुल करके देंगे मैम, एक बार आप आवाज करो उसके लिए। बाकी अब मैम प्लीज हैव अ लुक, एक बार आप देखो पूरा 360 व्यू लेके देखो, आपको मजा आ जाएगा। एंड बाकी फिर क्वालिटी तो आपको दिख ही रही होगी, ये जैसे पूरी ब्रांडेड आपको ये हैंडल्स मिलेंगे, लॉक मिलेंगे, ये सबसे मेन चीज जैसे कि कर्टेंस लग सकते हैं यहाँ पे, हमने कर्टेंस के लिए आपको स्पेस छुड़वा के दिया हुआ है, रॉड लगवा के दी हुई है आपको, ये तो काफी प्री इंस्टॉल्ड आपको रॉड्स दिए हैं हमने, कि आप बस अपने कर्टेंस खरीदो और डाल लो इनके अंदर प्लस। अच्छा मैम एक चीज और, कम्फर्ट पर्पज से अगर देखें तो एक रूम में आपने कितने स्विचेस, मतलब हार्डली एक या दो स्विचेस होते हैं जैसे, यहाँ पे आप एक बार ही स्विचेस ही काउंट कर लो, आप जहां बैठ जाओ, जहां पे आप चेयर रख लो, जहां पे आप बेड रख लो, आपके आसपास एक आधा स्विच जरूर होगा, कि फोन चार्ज करना है तो पास में आपको स्विच मिले, आजकल फोन चार्ज करना बहुत जरूरी है। 1, 2, 3, 4 ये 5 and 6 आपको इतने स्विचेस मिल रहे हैं इस रूम में, कि मतलब आपको उठने की जरूरत नहीं है, कि उठ के कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब काम आपके आसपास होंगे। तो जैसा आपने देखा है कि इस रूम में कितना अच्छा कर रखा है सर ने, स्विचेस देख रहे हैं आपने, 5 से 6 स्विचेस दे रखे हैं, तो चलते हैं उनके दूसरे रूम की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट रूम, अब आओ नेक्स्ट दिखाएं आपको, ये एरिया है, यहाँ से आपका ये एक वॉशरूम पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे बेडरूम, लेफ्ट हैंड साइड पे बेडरूम, ये तो मास्टर बेडरूम है आपका, ये बाद में दिखाता हूँ, तो आओ पहले इस रूम में आ जाओ। तो मैम ये सबसे पहली बात वही फिनिशिंग हमारी, फॉल सीलिंग आप देख लो, ऐसी फिनिशिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, प्लस इस रूम में प्री इंस्टॉल्ड आपको अलमीरा मिलती है, यहाँ पे आपका यहाँ तक जैसे बेड आ जाएगा, यहाँ तक ही बेड आएगा आपका, यहाँ पे आपको LED पैनल मिल सकता है, मतलब वो आपकी चॉइस है जैसे। और ये वाला फ्लोर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सोल्ड आउट है, तो ये उस उन जिनको उन्हें हमने दिया है उन पार्टी ने ये अलमीरा अपनी सिलेक्ट करी, पूरा सनमाइका कलर साइज ये सब उनकी पसंद का था, बट जब हम नॉर्मली बना के नहीं देते हैं, मतलब हम फ्लोर को ऐसे ही छोड़े रखते हैं, मैं आपको जैसे नीचे वाले हैं वो अभी सोल्ड आउट नहीं है, तो उनमें अलमीराज नहीं है, वो हम जैसे ही बुकिंग आ जाती है हमारे पास फ्लोर की, उसके बाद बनाएंगे, कि सब कुछ एक एक छोटी छोटी चीज अलमारी कैसी बन, जैसे अब इन्होंने तो नॉर्मल पुल करने वाली बनवा ली है, जैसे आजकल स्लाइडिंग में चल रही है, आप गूगल मतलब आप लिटरली गूगल से कुछ भी डिजाइन निकाल के हमारे को दे दो, हम आपको वो बना के देंगे, तो काफी अच्छी चीज है। तो इसमें यहाँ तक जैसे बेड आ जाएगा, यहाँ पे हमने मतलब आर्किटेक्चर भी प्रॉपर उस वे में कर रखा है, कि आपको कल को फर्नीचर रखने में भी प्रॉब्लम ना आए, कि अगर यहाँ तक बेड आता है, यहाँ पे LED पैनल आएगा आपका, और साइड में जैसे वार्डरोब आ गई आपकी, और सेम बात स्विचेस वाली, कि उठने की कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे तक आपको स्विच मिल रहा है, ये स्विच मिल रहा है, ये स्विच मिल रहा है, LED पैनल के लिए स्विचेस ही स्विचेस हैं, और लाइटिंग की तो कोई कमी नहीं है, मतलब रात को भी आपको ऐसा लगेगा कि सुबह के 9 बज रहे हैं, इतनी लाइटिंग करके दे रखी है आपको कमरे में। बाकी अलमीराज की स्पेस देख लो आप, और हैंडलिंग देख लो आप, कि नॉर्मली हवा है ये, तो हवा जितने दरवाजे हैं इसके नॉर्मल, इतने सॉफ्ट, ये आपका अंदर एक ड्रॉर आ जाएगा, एंड ये बंद हो गया, यहाँ पे आपको मैग्नेट मिल गई है, काफी इजीली बंद हो गया, बिल्कुल इजीली मैम, बहुत सॉफ्ट हवा, मैं कह रहा हूँ ना हवा। और प्लस एक चीज जो मैं आपको इस फ्लोर में बताना चाह रहा हूँ, हम देंगे एज अ गिफ्ट ये AC, Azure कंपनी के AC हैं, एंड स्प्लिट AC की, पूरे फ्लोर में हम आपको 2 AC एज अ गिफ्ट देंगे, अगर आप भैया के थ्रू आते हैं या मैम के थ्रू आते हैं, इस वीडियो को देख के अगर आप आते हैं तो आपको 2 AC कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम फिर क्या रिव्यूज हैं? मुझे तो आपका सर बेडरूम काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरा आप एक रूम बुक कर दीजिए फ्लोर, जैसे कि AC और अलमीरा सब कुछ इतना अच्छा है कि मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ मास्टर बेडरूम देखने के लिए। तो आओ फिर, वेट नहीं करवाएंगे मैम आपको, बिल्कुल आओ आप, बट मास्टर बेडरूम से पहले एक चीज, ये सबसे मेन चीज कॉमन वॉशरूम जो एक घर में चाहिए होता है, ये अपना कॉमन वॉशरूम, और वही मेन सबसे मेन चीज की कहीं किसी दरवाजे में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा,
जो घर का मेन गेट का दरवाजा है वही एक वॉशरूम का भी दरवाजा यहाँ पे मिल रहा है आपको। सारे डोर सेम है, बिल्कुल सेम। और ये फ्लोटिंग, आपकी फ्लोटिंग सीट्स रहेंगी यहाँ पे, फ्लोटिंग बॉट्स रहेंगे। ये आपको कंपनी के प्रॉपर ब्रांडेड आपको यहाँ पे फिटिंग्स मिल रही है। यहाँ पैरावेयर देख सकते हैं, पैरावेयर पूरा काम आपको ब्रांड का मिल रहा है। एंड पूरी एंड टू एंड टाइल्स हैं एंड फॉल सीलिंग सबसे मेन चीज, फिर वही फिनिशिंग प्लस वॉशरूम में फॉल सीलिंग वन ऑफ द मेन थिंग। तो मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे आप मास्टर बेडरूम के लिए, आओ फिर आपको मास्टर बेडरूम दिखाएं। ये रहेगा अपना मास्टर बेडरूम, स्टैंडर्ड साइज 10x10 बेड लगेगा यहाँ तक। फिर वही सेम फर्नीचर वाली बात कि यहाँ पे एलईडी पैनल आ सकता है आपका, वही सेम अलमीरा, सब कुछ वही काम। हवा भर का भी फर्क नहीं है किसी काम में, किसी फिनिशिंग में। प्लस विंडो एसी के लिए आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, विंडो एसी लग सकता है। एंड ये वॉशरूम रहेगा। सर ये अपनी फिटिंग्स रहेंगी, प्रॉपर जैगुआर का सब कुछ रहेगा इसमें। एंड ये वॉश बेसिन आप देख सकते, इसकी शेप देख लो, ऐसा यूनिक काम भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी शेप देख सकते हैं सर आप, फ्लोटिंग आपको सीट्स मिल रही हैं, पैरावेयर का आपको इसका इंटरनल पूरा काम, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब सपोज लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, बिल्डर्स हमेशा इसको अवॉइड करते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ये पूरी चीज खोलनी पड़ सकती है, मतलब ये पूरी यहाँ पे तोड़फोड़ होगी, ये बहुत मतलब। तो इसको बस इससे प्रोटेक्शन के लिए हम आपको पैरावेयर की, अंदर का सारा काम पैरावेयर का देते हैं, बाकी सार फैन सब कुछ आपको प्रोविजन दिया गया है। और यहाँ पे भी एक छोटी सी विंडो है, ये सर छोटी सी विंडो है इसके पीछे, प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होगा। अच्छा तो ये बात मैम एक आपसे पूछूंगा मैं, लेडीज एक्चुअली काफी कलर कॉन्शियस, तो ये आप कलर देख रहे हो इनका अलमीराज का, और सेम कलर आपको अट्रैक्टिव होने के लिए फैन पे दिया गया है, ये तो काफी अच्छी चीज है। बाकी और स्विचेस की बात है, कंफर्ट की बात है जहां तक, तो 1, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6, इतने स्विचेस आपको एक रूम में मैं दे रहा हूँ कि आप जहां मर्जी बैठ जाओ आपके आसपास एक स्विच होगा, आप कहीं बैठ जाओ आपके पास कंफर्ट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आने वाली। सर आपका मास्टर बेडरूम तो वाकई में मास्टर निकला। सबसे बड़ी बात मैम स्पेशियस अलमीराज की, जहां तक बात है कि घर में सामान इतना हो जाता है, हम समझते हैं ये बातें भी कि घर में सामान इतना हो जाता है, तो आप स्पेस देख लो, हर तरीके की आपको कोई भी चीज है आपकी वो आपके लिए प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट सोच के आपको ये चीजें, और ये काम डिटेलिंग आप देख लो तो प्रॉपर हैंडल्स एंड ऑल, जैसे ये थोड़ा अगर इसका पल्ला बड़ा है तो इसका बड़ा हैंडल, और ये छोटे पल्ले हैं तो छोटा है, मतलब प्रॉपर डिटेलिंग पे काम हुआ हुआ है इस कमरे में, इस पूरे फ्लोर में ही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है आपने। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो जैसा कि हमने ये सर का फ्लोर देखा, काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे सर ने काफी काम किया है। तो चलिए इस आलीशान घर की जानकारी लेते हैं सर से। चलिए तो चलिए सर से जानकारी लेते हैं इस घर की प्राइस की और थोड़ी डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स तो मैम सारी आपके सामने मैं पहले ही खोल चुका हूँ कि लोकेशन आपको नीचे वाला शूट जब हमने करा तो उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि लोकेशन कितनी प्राइम है। जी सर, तो सर लोकेशन तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ इसकी कितनी प्राइम है, एक्चुअली लोकेशन और काम दोनों दिखा चुका हूँ, और यही दोनों चीजें जो एक फ्लोर में मैटर करती है मैम। जी जी बिल्कुल, आपको दोनों ही इसमें 100% परफेक्शन के साथ हमने चूज करी है। लोकेशन हम ऐसी ही चूज करते हैं कि लोकेशन की वजह से कोई फ्लोर हमारा रुके ना, प्लस काम वो भी आपको मैंने दिखाई दिया है। अच्छा और स्पेसिफिकेशंस बता दूं अगर इसकी, तो 30x30 का सर ये फ्लोर रहता है, 30 फुट और 30 फुट, मतलब प्रॉपर एक तो स्क्वायर और 30 फुट आगे से 30 फुट गहराई में, 30x30 का आपका ये फ्लोर रहता है, 100 गज का फ्लोर, 2 साइड एल शेप कॉर्नर रहता है ये, यहाँ पे भी इसकी, यहाँ पे भी इसका आउटर है और यहाँ पे भी इसका आउटर है, यहाँ पे हमने बालकनी भी निकाल दी है सर। तो सर आप प्राइसिंग का भी बता ही दीजिए। प्राइसिंग का मैम प्राइसिंग का नहीं बता पाऊंगा, नंबर डलवा दूंगा मैं, नंबर मेरा डल जाएगा वीडियो में, नंबर डला रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, मेरा नंबर होगा, आप जब मर्जी, आपको वीडियो का जो पार्ट अच्छा लगे, जो पार्ट आपको इतना कन्विंस कर दे कि आप उस पार्ट को देख के मुझे कॉल करने पे कन्विंस हो गए हो, तो आप मुझे कॉल करो और प्राइस की बात मैं आपसे करूंगा, इसी बहाने बात भी हो जाएगी अपनी, तो कॉल पे करते हैं वो। और जाते जाते एक बात और बता दूं सर मैं कि काम आपने देख लिया, बट ये 6 महीने पुराना काम है शायद, ये 6 महीने से हमारी साइट रेडी हुई हुई थी, किसी वजह से अटक गई थी कि जैसे कोविड के चक्कर में हमारा काम, लेबर सारी भाग गई,
तो अब दो या तीन साइट्स और चल रही हैं और उनको हम जो तैयार कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा बढ़िया और एज अ लैंडमार्क रेडी कर रहे हैं कि ये होता है असली काम, वो भी आपको दिखाएंगे और इन्हीं भैया के साथ आपको असली वीडियो में मैं वो काम दिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर उस टाइम पे मिलते हैं मैम। तो फिर चलिए ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर की।